देखो भाई हनुमान जी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गंभीर रहिएगा, गंभीर रहिएगा। हनुमान जी अपने रूप में आ रहे हो। नमस्कार, आज हम और एक विषय देखते हैं। एक आया था हमारे यहाँ बागेश्वर नाम से, वो धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलता है, महाराज भी बोलता है, क्या क्या बोलता है पता नहीं। वो हनुमान जी को बेचकर अपना धंधा चलाता है, हनुमान जी की गद्दी चलाता हूँ, हनुमान जी मुझे साक्षात्कार देते हैं। देखो भाई हनुमान जी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गंभीर रहिएगा, गंभीर रहिएगा। हनुमान जी अपने रूप में आ रहे हो। प्रेत बाजा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हनुमान जी मेरे मुख से बोलते हैं, ये बोलने वाला धीरेन्द्र नाम का एक पाखंडी, वो जो समझा रहा है उसने ये कहा है कि राम को 5 बाप थे, तू जिसके आशीर्वाद के खा रहा है उसका जो जो उसको भगवान मानता है ऐसा व्यक्ति भगवान राम है, और उसके बारे में ही वो बोला है, उसका वीडियो है। एक बात और यहां विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। वो कहता है उनके 5 बाप थे। एक बाप था अग्नि, दूसरा बाप था दशरथ, तीसरा बाप था जटायु, चौथा बाप था उसका विश्वामित्र, और उसका 5वां बाप था शृंग ऋषि। आपको पता होगा कि हनुमान जी के भी बाप बताने वाले लोग हैं, हनुमान जी की जाति बताने वाले लोग हैं। हिंदू हिंदुत्व जात पात के बयान युद्ध के बीच राजस्थान में कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की जाति भी बता डाली। हम सब का संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए, बजरंग बली का संकल्प। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है। ये राजस्थान के चुनावी अखाड़े का मिजाज है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की भी जाति खोज निकाली, जिसे दुनिया संकट मोचन कहती है, जिसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है। उस हनुमान जी को चुनावी अखाड़े में योगी ने दलित और वंचित बता दिया। सर, क्या भगवान हनुमान दलित आदिवासी थे? ये मैंने अखबारों में पढ़ा है, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का बयान है, मगर मैं नहीं बचते हैं तो एक बात है, आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए, इत्तेफाक रखने का क्या सवाल है, दलित आदिवासी और वनवासी ऐसा शब्द प्रयोग, क्योंकि मेरा सवाल यह है कि भगवान के साथ जात को क्यों जोड़। ये सारे हिंदुत्ववादी है, ये सारे के सारे हिंदुत्ववादी है, मगर उस राम के नाम से उसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानने वाले और उसके नाम से उसका अनुकरण करने वाले, मतलब सौतेले भाइयों के साथ भी झगड़ा न करने की प्रतिज्ञा लेने वाले, अपने भाइयों को बंधुत्व में बांधने वाले, राम के नाम से आचरण करने वाले, एक पत्नी व्रता थे, एक पत्नी व्रता का पालन करने का कम से कम प्रण लेने वाले, उस तरीके से रहने वाले और चलने वाले जो लोग हैं, जो भगवान राम को आदर्श मानते, एक भगवान राम को बेचने की वस्तु मानते हैं और एक भगवान राम को आदर्श मान के उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, जो आदर्शों पर चलने का प्रयास करते वो हिंदू है, और जो राम को कृष्ण को या हनुमान जी को बेचकर अपना धंधा चलाते और फिर राम को भी इस तरीके से अपमानित करते हैं, हमारे सारे भगवानों को अपमानित करते हैं, वो सारे हिंदुत्ववादी है। ये फर्क को अगर नहीं समझोगे तो आपके हाथ से आपके बाप दादा, आपके पूर्वज, आपके भगवान, आपका मंदिर और आप सब अपमानित होते रहोगे। इस अपमान से दूर निकलना है तो हिंदुत्ववादियों को हिंदू में से बाहर निकलने की जरूरत है। नमस्कार।